कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार में नई सरकार आ गई है। जी हाँ, नीतीश कुमार ने नौवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इस बार नीतीश कुमार ने बीजेपी के समर्थन से नई सरकार का अपनी गठन किया है। राज्यपाल ने नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी शपथ ग्रहण की। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। वहीं डॉक्टर प्रेम कुमार, विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, संतोष कुमार सुमन, सुमित कुमार सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। आपको बता दें, बिहार की राजनीति में कास्ट की बहुत अहमियत है। नई सरकार में जिन लोगों को मंत्री बनाया गया है उसमें बीजेपी ने कुर्मी के दो मंत्री, भूमिहार जाति के दो, राजपूत से एक, यादव जाति से भी एक मंत्री, इसके अलावा पिछड़ा, अति पिछड़ा और महादलित से भी एक एक मंत्री बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार खुद कुर्मी समाज से आते हैं, सम्राट चौधरी कोयरी समाज से आते हैं और उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी सौंपी गई है। विजय कुमार चौधरी को भी मंत्री की कुर्सी पर बिठाया है, जो कि भूमिहार जाति से आते हैं। वहीं विजेंद्र यादव भी हैं और प्रेम कुमार कहार जाति से हैं, जो कि मंत्री बने हैं। श्रवण कुमार कुर्मी समाज से हैं, सुमित सिंह राजपूत हैं और संतोष सुमन मंत्रिमंडल में रहकर महादलित समाज से आते हैं। विजय सिन्हा भूमिहार हैं, जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली है। सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कुशवा समाज से आते हैं। उन्हें राजद से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, बाद में जदयू में शामिल हो गए थे। विजय कुमार सिन्हा बिहार बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, कई दफा वो विधायक भी रह चुके हैं। एनडी की पिछली सरकार के दौरान विजय कुमार सिन्हा को विधानसभा का स्पीकर बनाया गया था। विजेंद्र यादव बिहार में सबसे अधिक समय तक ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं, पहले राजद और बाद में नीतीश सरकार में लंबे समय तक विजेंद्र यादव मंत्री भी रहे। विजय कुमार चौधरी जदयू के कद्दावर नेता माने जाते हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रेम कुमार बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, गया विधानसभा सीट से लंबे समय तक चुनाव भी जीत रहे हैं। श्रवण कुमार जनता दल यूनाइटेड के कोटे से मंत्री बने हैं। नीतीश कुमार के स्वजातीय होने के साथ साथ उन्हें गृह जिला नालंदा से भी वो विधायक रहे हैं। कैबिनेट में ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री का पदभार वो संभाल रहे थे। संतोष सुमन नीतीश के कैबिनेट मंत्री में पहले भी मंत्री रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र हैं, अभी बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य हैं। कुछ ही दिन पहले उन्हें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का अध्यक्ष भी बनाया गया था। सुमित सिंह बिहार विधानसभा में निर्दलीय विधायक हैं। उन्हें जमुई जिले चकाई विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आज मंत्री पद की शपथ लिया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।